नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिसमें जनता को बोलना जरूरी है, क्योंकि जनता बोल नहीं रही है, चुपचाप सब देख रही है और इसलिए नेता नंगा नाच कर रहे हैं। ये नंगा नाच देश के पॉलिटिकल कल्चर के साथ है, ये हमारे राष्ट्रीय भावना के साथ है, ये जनता के पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ है और हमारे आने वाले देश के भविष्य के साथ भी है। इसके कई परिणाम होने हैं और ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर देश में राजनीतिक तौर पर सत्ताधारी दल कुछ भी करके सत्ता में बना रह सकता है और ऐसे में लोकतंत्र ही पूरा खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हम आज आपको पूछ रहे सवाल कि क्या सड़क पर विरोध और संसद में समर्थन कितना सही है। आपने देखा कि पिछले दिनों मुलायम सिंह ने, मायावती ने, डीएमके ने सड़क पर तो विरोध किया। 20 तारीख को जो भारत बंद हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाए, सबसे ज्यादा चैनलों में एयर टाइम कंज्यूम किया, लेकिन दूसरे ही दिन सवेरे उनके नेता ने कहा कि सरकार को हम गिरने नहीं देंगे, हमारा समर्थन सरकार के साथ है। कारण बताया कि हम जातिवादी शक्ति को सत्ता में आने देना नहीं चाहते। ये हमेशा का जो ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा क्या उस वोटर के साथ खिलवाड़ नहीं है जो आपको इस सरकार के खिलाफ वोट दे के समर्थन देता है? क्या ये लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं है? बाल ठाकरे मुलायम सिंह को टेकू कहते हैं, ये टेकू राजनीतिक तरीके से दे के मुलायम सिंह भले ही कुछ फायदा पा ले, लेकिन क्या इसमें देश का, सरकार का, देश का, जनता का नुकसान नहीं है? क्या है आपका इस विषय पर कहना? इन दोगले प्रकार की राजनीति करने वाले लोगों पर आज आप बेखौफ होकर अपनी राय दीजिए। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। आज हर ओर सरकार का विरोध हो रहा है, महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है, अब तो आम आदमी सड़कों पे उतर आया है। भ्रष्ट प्रधानमंत्री जाओ के नारे प्रधानमंत्री के भाषण में लग रहे हैं। सरकार के कुछ शर्मदार सहयोगी उसका साथ छोड़ गए हैं, लेकिन सरकार फिर भी बिना डरे आम आदमी का गला घोट रही है। आखिर क्यों कर रही है सरकार ऐसा? कहां से उसे ये शक्ति मिल रही है और क्यों? क्योंकि उसे कुछ लालची लोगों का साथ जो मिला हुआ है। ये सरकार के ऐसे सहयोगी हैं जो सरकार को हर ओर से सहारा दे रहे हैं। जी हां, इनकी वजह से ही सरकार आज बिना आम आदमी की परवाह किए फैसला ले रही है। ये दल सड़क पे तो सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन संसद में कभी विरोध तो कभी साथ देते हुए दिखाई देते हैं। जी हां, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है माया और मुलायम। सड़क और संसद में दोनों FDI पर सरकार के विरोध कर रहे हैं, मगर जन विरोधी फैसला लेने के लिए सरकार को शक्ति भी दे रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री और सपा मुखिया मुलायम सिंह के बेटे राज्य में FDI को किसी भी हालत में लागू करने से मना करते हैं, तो दूसरी ओर मुलायम सिंह सरकार को हर सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही मायावती सड़कों पर सरकार का विरोध कर रही हैं, लेकिन सरकार को चलाने के लिए हर तरह का समर्थन जारी है। तो ऐसे राजनीतिक दलों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आखिर क्यों ये दोहरा खेल खेला जा रहा है? क्यों ये दल जनता के साथ धोखा कर रहे हैं? एक ओर तो जनता के साथ ये खड़े दिखते हैं, दूसरी ओर भ्रष्ट सरकार को समर्थन भी जारी रखे हैं। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये दल तो कांग्रेस से भी बड़े गुनहगार हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार तो सबको पता है कि भ्रष्टाचार की जननी है, मगर जो लोग उसे भ्रष्टाचार करने की शक्ति दे रहे हैं वो देश के सबसे बड़े गुनहगार हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ऐसे राजनीतिक दलों को भी भ्रष्ट कैटेगरी में क्यों ना रखा जाए? आखिर क्या फायदा हो रहा है इन राजनीतिक दलों का? जी हाँ, जब हम इस पर नजर दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। मायावती को CBI से डर लगता है, उन्हें डर है कि कहीं केंद्र सरकार CBI को उनके पीछे न लगा दे, कहीं घोटाले में जेल की हवा न खानी पड़े। ऐसा ही मुलायम सिंह के भी साथ है, उन्हें डर है।